हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 16 जनवरी, देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली न्यूज़ है डिफरेंसेस विथ चीफ जस्टिस नॉट येट रिजॉल्व। तो ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी चीफ जस्टिस और फोर मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं उनके बीच में, तो ये कह रहे हैं कि इनका इशू जो है, ये कंट्रोवर्सी अभी भी बरकरार है और इसको सुलझाया नहीं जा सका है, राइट। ऐसी खबरें आ रही थी कि कल चाय की चुस्कियों के बीच ये सारी बातें ख़त्म हो गई और इस इशू को सुलझा लिया गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है और ये डेलिब्रेट ये मिस इन्फॉर्मेशन ये फैलाई गई है कि इस इशू को सुलझा लिया गया है, राइट। तो कह रहे कि ये सोर्सेस से पता चला है कि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है और ये इशू अभी भी बरकरार है, राइट। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। इसके अलावा ये देखिए, 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन इंडियन रिटेलिएशन। तो जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी सोल्जरों को मार गिराया गया है। इसके अलावा 5 जो जैश के मिलिटेंट्स हैं उनको भी मार गिराया गया है, राइट। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जलाईकट्टू और प्ले किया जा रहा है मदुरई डिस्ट्रिक्ट में। तो जलाईकट्टू पिछली बार काफ़ी सुर्खियों में था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जलाईकट्टू के बारे में। तो जलाईकट्टू बेसिकली ये तमिलनाडु में खेला जाता है और स्पेशली ये पोगल सेलिब्रेशन पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, राइट। और पोगल सेलिब्रेशन में भी ये देखिए, मत्तू पोगल डे जो होता है, ये कह रहे हैं कि ये जनवरी में ही होता है, लेकिन पोगल का भी एक डे ये है, मत्तू पोगल डे, उस पर ये सारे प्रोसेस होता है, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक जो बुल होता है, देखिए बोस इंडिकस बुल, इसको क्या करते हैं, भीड़ में छोड़ देते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं उसके हब को पकड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये बहुत ही पुरानी इन लोगों की एक प्रथा है और ये बहुत तब से ये चली आ रही है। बीच में इस कंट्रोवर्सी हुई थी तो इस पे बैन लग गया था, बाद में इसको वहाँ की असेंबली ने रेजोल्यूशन ला के फिर से इसको कंटिन्यू कर दिया। तो ये सारी कंट्रोवर्सी पिछले साल जलीकट्टू से रिलेटेड चली थी, राइट। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए, आधार वैलिडेशन से रिलेटेड न्यूज़ है। अभी हमने पढ़ा था कि एक वर्चुअल आईडी होगी आधार की, लेकिन अब उसके अलावा इसमें देख रहे हैं फेस रिकॉग्निशन का भी, ये कह रहे हैं कि उसको ऐड किया जाएगा उसमें। तो फेस रिकॉग्निशन ये कह रहे हैं कि ये फ्यूज़न मोड में होगा, यानी कि इसके साथ साथ और भी जैसे आपका फिंगरप्रिंट या ओटीपी, ये सब भी साथ साथ ये ऑथेंटिकेशन के लिए इसका भी यूज़ होगा, राइट। तो कैसे सिक्योर बनाया जाए इसको, उसके लिए ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं और इसको ये सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसराइल सीक्स बिग डाटा फ्रॉम इंडिया। तो इसराइल ने कहा है कि साइबर थ्रेड्स से डील करने के लिए, साइबर थ्रेड्स जो है वो आपको पता होगा बहुत धीरे धीरे ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसको एक तरीके से कर्व करने के लिए कह रहे हैं कि मीजर्स ले जाने की ज़रूरत है और इसमें इसराइल अपना योगदान देने की बात कर रहा है। और इसने कहा है कि इंडिया फाउ प्रोडक्शन, इसराइल हैज़ प्रोसेस टू एसेस इंडियाज़ बिग डाटा, राइट। तो बिग डाटा के थ्रू कह रहे हैं कि इसको बिग डाटा का यूज़ करने की बात कर रहे हैं इसमें, और उससे रिलेटेड सारे मीजर्स लेने की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि द आइडिया ऑफ द बिग डाटा वाज ब्रॉट इनटू डिस्कशन बाय इजरायली साइड, ठीक है। तो कह रहे हैं बिग डाटा का ये जो आइडिया है, ये इजरायली साइड ही, इसराइल द्वारा ही ये शुरुआत की गई इसकी। और ये कह रहे हैं कि इसका इम्फेसिस है कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन नाउ बी यूज टू एग्लोमरेट वास्ट अमाउंट ऑफ दी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कैसे टेक्नोलॉजी का वास्ट अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाए। इसके अलावा देन बियर ऑन इंडिविजुअल फील्ड एंड इंडिविजुअल फार्मर्स एफर्ट्स टू इम्प्रूव द इल्ड, ठीक है। तो इंडिविजुअल फार्मर्स की इल्ड को कैसे और इम्प्रूव किया जाए, इन सब के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बिग डाटा, आपको थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं, राइट। अगली न्यूज़ ये देख लेते हैं, राजपूत फोरम टू बैक कांग्रेस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और यहाँ पे भी कोई इम्पोर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ नहीं है, राइट। ये देखिए एक केस था, ये चंडी केस। तो ये बेसिकली है मिनिस्टर है वहाँ के, केरला के, ठीक है ना, केरला के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे जिनके पे लैंड एनक्रोचमेंट से रिलेटेड एलिगेशन थे। तो उसमें कह रहे हैं कि देखिए दूसरे जज, मतलब एक और जज थे जो जिन्होंने इस केस से अपना नाम वापस लिया था, तो ये दूसरे जज होंगे, जस्टिस सेपरे इससे पहले लिया था जस्टिस।
खनविलकर ने, राइट, तो इन्होंने अपना नाम इस केस से वापस ले लिया है, राइट, रिक्यूज़ किया है। तो कभी कभी होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तो नाम वापस लेना पड़ता है, और भी कुछ वजह होती है जिनकी वजह से ये लोग रिक्यूज़ कर जाते हैं। और यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लैंप ऑल सेट टू बी लिट फॉर पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल। देखिए ये पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा और ये बिल्कुल जयपुर जो फेस्टिवल होता है उसी के बिल्कुल ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि कोइंसाइड विद द वर्ल्ड फेमस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बीग ऑर्गेनाइज लेटर दिस मंथ, और कह रहे हैं कि इसका जो नाम होगा द प्रिमाइस ऑफ द यूथ होटल्स इन जयपुर वेयर PLF विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम January 27 to 29 हैव बी नेम्ड गुलेरी ग्राम, ठीक है। तो इसका कह रहे हैं कि जो नाम होगा वो गुलेरी ग्राम होगा, और तो ये जो कोइंसाइड होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के, राइट। इसके अलावा ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ से ये थोड़ी सी डिटेल दी गई, इसको आप देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग 300 डिस्ट्रिक्ट, राइट, और 10 स्टेट्स एंड यूटीज, और इसके अलावा 3 लैक्स विलेज, ठीक है, इनको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया। तो थोड़ा सा आप आंसर राइटिंग में ये सारे डाटा यूज़ कर सकते हैं कि 300 डिस्ट्रिक्ट है, 3 लाख विलेजेस और 10 स्टेट जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित हो चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ये आप लोगों को पता होगा 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, और कह रहे कि इसके तहत अब तक 5.94 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बिल्ड किए जा चुके हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी होगी। और ये देखिए संकल्प से सिद्धि जो है ये कह रहे हैं कि ऑन ट्रैक फॉर एन ODF इंडिया बाई 2019, तो इसमें थोड़ी सी और डिटेल नीचे दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, इसको कंपेयर किया गया है। ये है आज की डिटेल और ये है 2014 की 2 अक्टूबर की, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं और आप इसकी जो प्रोग्रेस है खुद एनालाइज कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा बहुत ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये सारे फ्रेक्वेंट UAID से रिलेटेड देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये फ्रेक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको रिजॉल्व उसका आंसर देने की कोशिश की है। तो अगर आप इसमें से कुछ अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो लोगों को जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है या जो लोगों को रिक्वायर होता है, राइट। और ये देखिए द हिंदू लिटरेचर फेस्टिवल 2018 ये कल दिया गया, और ये कह रहे हैं कि राजमोहन गांधी ने इसका इनाग्रेशन किया, तो थोड़ा सा देख सकते हैं आप इसको, उतना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था उसी तरीके से अब ज़रूरत इस बात की है कि प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए और उनको डिजिटल किया जाए, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड इज़ एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेटर डिजिटल एजुकेशन इन ऑल स्कूल, ठीक है। तो डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं सारे स्कूल में, ताकि उन लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और नए तरीके से उनको पढ़ाया जा सके और न्यू वेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टू द स्कूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए ये किया जा रहा है, तो एक अच्छा स्टेप है एजुकेशन को डिजिटलाइज किया जाने का, राइट। इसके अलावा देखिए एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ये कहा है डेविड एंडरसन, इन्होंने कहा है कि वाइस फ्रूट फ्लाइज जो होते हैं इनमें भी इंसान की तरीके से इमोशंस पाए जाते हैं, और इन्होंने कहा कि जैसे एग्रेशन, इसके अलावा कह रहे कि एबिलिटी टू टेल मेल्स एंड फीमेल्स अपार्ट वर रॉन्गली कंसिडर बी हार्डवायर्ड, तो ये कह रहे हैं कि इनमें भी एग्रेशन जैसे हो गया ये सारे इमोशंस इनमें भी पाए जाते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा पहले माना जाता था कि सिर्फ ह्यूमर जो होता है यही इसके पास ही इमोशन को एक्सपीरियंस करने की क्षमता होती है, लेकिन कह रहे ऐसा नहीं है, और इन्होंने जो न्यूरॉन्स होते हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इमोशंस के लिए उसको डिसिफर करने की कोशिश की है। और ये कह रहे हैं कि देखिए उसका नाम भी बता देता हूँ, उस न्यूरॉन का नाम है, कह रहे कि न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग इमोशन वाज द की नोट स्पीकर एट द 8th एनुअल सेल प्रेस TNQ इंडिया डिस्टिंग्विश लेक्चर सीरीज, और ये है द स्पेसिफिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन रीजन कॉल्ड द वेंट्रोमेडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स,
ठीक है, वेड्रो, ये जो स्पेसिफिक ड्यूरल है, ये कह रहे हैं कि ब्रेन के वेंट्रोबिडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स में ये पाया जाता है। और ये कह रहे हैं कि जब कोई भी एनिमल कोक्स्ट करता है, ठीक है, हॉस्टाइल सिचुएशन में, तो ये ड्यूरल एक्टिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बायोलॉजी से रिलेटेड, इसके अलावा ये सारे एडिटोरियल और 5 जैशमैन शॉट डेड और एलओसी, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा चाइना ने, देखिए, कल नाराज़गी जाहिर की है, जो आर्मी चीफ ने बयान दिया था कुछ दिनों पहले, तो इसमें इन्होंने कहा था कि हम अपना जो इम्फेसिस है, हम अपनी जो सिक्योरिटी है, वो धीरे धीरे चाइना, सॉरी, वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान से अब चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसी का इन्होंने जवाब दिया, ये कह रहे हैं कि इनका जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से अनकंस्ट्रक्टिव है, और क्योंकि अभी जो जियामेन में चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और मिशन नरेंद्र मोदी की जो बात हुई थी, जो टॉक हुई थी, कह रहे हैं कि उसकी ये स्पिरिट में नहीं है, ठीक है ना, उसके ये कह रहे हैं कि डू नॉट कन्फर्म द स्पिरिट ऑफ द सितंबर टॉक्स, राइट। और इसके अलावा ये भी कहा है कि देखिए, मिस्टर रावत ने कहा था कि इंडिया नीडेड टू शिफ्ट इट्स मिलिट्री फोकस फ्रॉम इट्स वेस्टर्न बॉर्डर विथ पाकिस्तान टू इट्स नॉर्थन बॉर्डर विथ चाइना, और ही हैड ऑब्जर्व दैट इफ चाइना वॉज स्ट्रांग इंडिया वॉज नॉट वीक आइदर। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर चाइना स्ट्रांग है तो इंडिया भी कमज़ोर रही है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट दिए गए थे, इसको चाइना ने बहुत सीरियसली लिया है और उसको स्लैब्स किया। इसके अलावा देखिए, जो जस्टिस लोया थे, उनकी डेथ के बारे में कल एक उनके ये जो उनके सन है अनुज लोया, इन्होंने कहा था कि फैमिली का कोई शक नहीं है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चूंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, इसलिए इसमें प्रूव किए जाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा फैमिली के कुछ और भी मेम्बर हैं जिनको डाउट है उस पर, राइट। तो उस पर कह रहे हैं कि ये चूंकि बड़ा पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, इसलिए इस पर प्रूव किया जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि इंडिया, देखिए, अपील कर सकता है मैच फिक्सिंग केस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अपोजिशन जो है रिपब्लिक डे पे एक मार्च करने का प्लान बना रहा है, और ये मार्च होगा मुंबई में, तो गेटवे ऑफ इंडिया पे। ये कह रहे हैं कि सेव द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बचाओ के नाम से ये मार्च करने का प्लान कर रही है अपोजिशन। इसके अलावा देखिए, कह रहे हैं कि प्रोग्रेस इन प्रोब अगेंस्ट एक्स सीबीआई चीफ, एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो एक्स सीबीआई चीफ के खिलाफ जो भी प्रोब है वो प्रोग्रेस पे है, वो चल रही है, राइट। तो आपको पता होगा रंजीत सिन्हा जो है इनके खिलाफ जो एक्स सीबीआई चीफ है, इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, राइट। बहुत सारे जैसे कोल स्कैम जो केसेस था उसमें इनका नाम आया था। और इंडिया सेज इसराइल हैज़ टेकन यूएन वर्ड्स इन इन इट्स स्ट्राइड, ठीक है। तो देखिए, ये ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि इंडिया ने अभी जो यूएन में वोटिंग की थी वो इसराइल के अपोजिट की थी, और इसराइल के अपोजिट का मतलब ये है चूंकि यूएस ने जेरूशलम को राजधानी बनाने की बात की थी, तो उसमें इंडिया ने इसका अपोज किया था, यानी कि इंडिया ने उसमें इसके अगेंस्ट वोटिंग की थी। तो ये कह रहे थे, इसका लग रहा था कि इस इनके इस विजिट पे इसका असर पड़ेगा, लेकिन इंडिया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और इसका क्योंकि हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारे जो संबंध है वो इनसे कहीं बड़े हैं, तो उसका कोई बहुत बड़ा इस पे इनकी विजिट पे असर नहीं पड़ने वाला है, राइट। और ये कह रहे हैं कि जो इशू है इसको बोथ साइड्स व्यूड दिस हॉलिस्टिकली एंड दे सॉट एन अर्ली रिजम्पशन ऑफ द पीस टॉक बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये सीख कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पीस टॉक इजराइल और पैलेस्टीनियन के बीच साइड कर ली जाए, मतलब ये चाहते हैं कि दोनों के बीच पीस और हारमोनी बरकरार रहे। इसके अलावा इंडिया एश्योर इसराइली फर्म्स ऑफ इजियर एनवायरमेंट टू डू बिजनेस, राइट। तो इंडिया ने इसराइली फर्म्स को एश्योर किया है कि वो आसानी से यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ट्रेड टॉक भी इंडिया और एफटीए जो टॉक होती है वो भी इंडिया और इसराइल के बीच हुई है इस विजिट पे कल यानी, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, जेविस सिमेट्री है, इसको विजिट कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 143 साल पुरानी है, तो इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए और इसको विजिट करने की संभावना है बेंजामिन नेतन्याहू को, राइट। इसके अलावा ये बच्चा जो देख सकते हैं, मोशे नाम है इसका, और इसके जो पेरेंट्स थे 2008 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें मारे गए थे, तो ये फिलहाल इनके साथ आए हुए हैं और ये विजिट करेंगे डरीबर हाउस को जिनमें इनके पेरेंट्स को मारा गया था, राइट। और यहाँ पे, हाँ देखिए, प्रेसिडेंटियल टर्म, ये श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंस
प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 साल ही होगा। इन्होंने पूछा था सुप्रीम कोर्ट से कि वेदर ही कैन सर्व अ 6 ईयर टर्म, मतलब ये जो यहाँ के सिरिसेना वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि वो 6 साल तक सर्व कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ 5 साल का ही टर्म आपका होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आई एम नॉट रेजिस्ट, सेज ही वॉन्ट्स टू इमिग्रेट टू कम US बेस्ड ऑन मेरिट नॉट ऑन लॉटरीज। ठीक है, उन्होंने कहा कि US में जो आना चाहे आ सकता है, लेकिन मेरिट की बेसिस पे, नॉट अ लॉटरी बेसिस। ठीक है, तो लॉटरी की बेसिस पे नहीं बल्कि मेरिट की बेसिस पे वो चाहते हैं कि US में इमिग्रेंट्स आए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बोको हरम, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बोको हरम जो है ये नाइजीरिया का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको कुछ देखिए चीबू गर्ल्स को इन्होंने एबडक्ट किया हुआ है और किडनैप करके ये रखे हुए हैं, और जो इन्होंने कल वीडियो जारी की है इसमें ये 14 के अराउंड ये जो गर्ल्स हैं इन्होंने वैसे कहा है कि इन्होंने बोको हरम के जो लीडर, इन्होंने इनसे शादी की है और ये वापस नहीं जाना चाहती है, राइट। और वो कह रहे हैं कि वी लिव इन कम्फर्ट, कम्फर्ट फील कर रही है वहाँ पर ही। और दिसंबर ट्रेड डेफिसिट वाइडेड, देखिए ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ गया है और ये हो गया है 14.9 बिलियन, और ये कह रहे हैं कि मेनली इम्पोर्ट्स, इसके अलावा लेड बाय गोल्ड एंड आउटपेस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो क्योंकि गोल्ड का हमारे वहाँ आयात बहुत होता है, इम्पोर्ट बहुत होता है, तो इसकी वजह से कह रहे हैं गुड्स ट्रेड डेफिसिट इन दिसंबर 2017 वाइडेड 14.9 बिलियन फ्रॉम, और ये दिसंबर 2016 में देखिए ये था 10.5 बिलियन, राइट। एज इम्पोर्ट्स आउट स्पेस्ड एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट डेटा शोड। तो ये देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट होता कब है। देखिए जब इम्पोर्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट से बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी कि अगर आप इम्पोर्ट ज़्यादा करें एक्सपोर्ट कम करें तो उन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा ट्रेड डेफिसिट। ठीक है ना, तो और ये होता क्यों है जब हम इम्पोर्ट, जैसे देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि गोल्ड का इम्पोर्ट जो है वो बहुत ही बढ़ गया, 71.52% बढ़ गया है 2017 में, तो ये रीज़न है। इसके अलावा जो ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस है वो भी बढ़ गई है, तो ये भी एक रीज़न है इस ट्रेड डेफिसिट का, राइट। तो आपको ट्रेड डेफिसिट पता होना चाहिए होता क्या है। और इसके अलावा ये जो न्यूज़ है, होल सेल इन्फ्लेशन इज़ टू 3 मंथ्स लो, 3.58%। ठीक है, तो WPI जो है वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ईज हुआ है और 3 मंथ के सबसे लो पॉइंट पे है और ये है अभी 3.58%, राइट। तो WPI के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि WPI जो है इसके जो नंबर्स हैं इस बार इंक्रीज़ हो गए, पहले ये 676 आइटम थे और 697 आइटम हो गए, राइट। और इसके अलावा कह रहे हैं कि अंडर द प्राइमरी आर्टिकल्स न्यू वेजिटेबल फ्रूट्स लाइक रेडिश, ये सब कोकम्बर और ये सारी चीज़ें आती हैं। अंडर द मिनरल ग्रुप न्यू आइटम्स, जो नए आइटम शामिल किए गए उसमें कॉपर और लेड ये सारी चीज़ें, और 173 नए आइटम कर रहे हैं इंक्लूडिंग कन्वेयर बेल्ट, रबर और ये सारी चीज़ें। तो ये कह रहे हैं कि अंडर द न्यू सीरीज ऑफ WPI वेट ऑफ द मैन्युफैक्चर आइटम हैज़ डिक्रीज टू 64.2। ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चर का जो है इसमें वेटेज जो है 64.2 है, और इसके अलावा फ्यूल एंड पावर का जो है वो 13.1 है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड द वेट ऑफ द प्राइमरी आर्टिकल जो है, प्राइमरी आइटम्स का है 22.6। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी होगी, राइट। इसके अलावा ये देखिए न्यू सीरीज़ करें WPI की जो है 2011-12 इफेक्टिव है अप्रैल 2017 से। ठीक है ना, तो इसमें देखिए होल सेल प्राइस का एनालिसिस की जाती है, राइट। और इसमें बड़े लेवल पे देखा जाता है कि इसमें रेट में जो चेंजेस होते हैं उसकी एनालिसिस की जाती है। और ये कह रहे हैं कि 2017 सीज हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट और एग्जिट्स, EY ने ऐसा कहा है, और वाटरशेड ईयर ऑफ द इंडियन PEVC एज इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये कह रहे हैं कि 2017 जो रहा है इंडिया के लिए वो बोथ इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट के लिए अच्छा रहा है, और प्रीवियस जो भी कह रहे हैं हाइज रही है, प्रीवियस जो भी इनका रिकॉर्ड रहा है उससे और इन्होंने बेहतर किया है, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स की न्यूज़, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स अ लॉट।